फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। डायबिटीज के इलाज में लीची व सहजन के पत्ते काफी कारगर हैं। इसे कम ही लोग जानते होंगे। संयमित भोजन के साथ नियमित लीची या सहजन के 10 पत्ते सुबह में चबाने से अथवा गिलोय का रस आधा कप सुबह खाली पेट पीने से मधुमेह की बीमारी पर नियंत्रण रहता है। मधुमेह की बीमारी के इलाज के लिए एलोपैथी की महंगी दवा खाने की जरूरत नहीं। मधुमेह को प्रारंभिक स्तर पर पहचान लेने से ये बीमारी ठीक भी हो सकती है। लीची का पत्ता, सहजन व गिलोय के अलावा निम्न चीजों के सेवन से भी मधुमेह पर नियंत्रण रखा जा सकता है। हल्दी का पाउडर आधा चम्मच सुबह खाली पेट, मेथी का पानी सुबह खाली पेट में या पाउडर एक चम्मच तीन बार, गूल मार्क व गुमा का रस आधा चम्मच रोज सुबह में, करेला का रस दो चम्मच सुबह खाली पेट में व शरीफा के 10 पत्ते रोज खाली पेट चबाने से लाभ मिलता है। दवा के साथ ही व्यायाम करना, रोज न्यूनतम 3 किलोमीटर टहलना, धूप में अधिक देर नहीं रहना, समय समय पर मधुमेह की जांच कराना भी जरूरी है। अगर 40 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति सुबह या शाम में नियमित रूप से पैदल चलने लगे तो वह मधुमेह की चपेट में नहीं आएगा। मधुमेह पीड़ित प्रतिदिन सुबह या शाम में तेज गति से 5 किलोमीटर पैदल चलें। इससे उनके शरीर में पसीना आने लगेगा। 2 महीना पैदल चलने से ही फायदा नजर आने लगता है। चलने की गति इतनी तेज न हो कि आप कुछ ही दूर चलकर अत्यधिक थकान महसूस करने लगे। गति इतनी धीमी भी न हो कि आपको पसीना नहीं आए। योगा और शारीरिक परिश्रम से हम मधुमेह से बच सकते हैं। बार बार पेशाब का होना, शरीर का वजन कम होना, पैर का पतला होना, सिर में चक्कर का आना, थकान का होना, शरीर में दर्द का होना, लीवर, किडनी, हृदय, आंख को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ये बीमारी लोगों को नपुंसक भी बनाता है। आलू, चावल, खट्टा मीठा भोजन, शीतल पेय कोका कोला, शराब, मीठे फल का जूस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।